गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस ग्रेड सिक्स चैप्टर फाइव इंट्रोडक्शन पार्ट टू। आपको मैं बताई थी डायरेक्शन एंगल्स कैसे होते हैं। डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम ले लिए। देन एंगल्स देखेंगे, थ्री मोर एंगल। एंगल्स जो बताई थी मैं आपको, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड कंप्लीट एंगल। उसके बाद भी हमारे पास थ्री एंगल्स और हैं, जैसे एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, देन रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हम देख रहे हैं एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से जो कम हो। 90 डिग्री में हम क्या करते हैं, इसको ये डायरेक्ट सीधे लाइन अभी खींचते हैं, तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स आएंगे वो एक्यूट एंगल है। देन मेजरिंग कैसे करते हैं हम इसको, मेजर कैसे करते हैं, हाउ टू मेजर द एंगल, यूज़ ऑफ ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम मेजर कर सकते हैं। प्रोटेक्टर जो डी हम बोलते हैं उसी से ही हम करते हैं। देन परपेंडिकुलर क्या होता है, व्हेन इट फ्रॉम एट 90 डिग्री एंगल। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन है उसके ऊपर कोई भी लाइन हम 90 डिग्री के खींच रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर हो गए हम। देन परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स मीन्स जैसे ए बी और एन एम, ए बी और एन एम जो दो लाइन है, ए बी के ऊपर एन एम परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा हो गया, एन एंड एम। तो एम एन परपेंडिकुलर इज ए बी। परपेंडिकुलर के साइन क्या है, ये एम एन परपेंडिकुलर इज ए बी, ए बी के ऊपर एम एन है। देन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स क्या है, हम जैसे ओनली 90 डिग्री बना हुआ है तो मतलब वो तो लाइन ही है, परपेंडिकुलर लाइन, और ये कोई भी लाइन है अगर उसको हाफ कर रखा है, ए क्यू और क्यू बी सेम हो, इक्वल पार्ट में दोनों हिस्सा कर रखे हो, देन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देन ट्राइंगल में हम देखें अभी, एक्यूट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल जो 90 डिग्री से कम हो, इसमें सब 60 डिग्री आ जाएंगे, लेस देन 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूस एंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम होना चाहिए, तो हम ऑब्ट्यूस एंगल कैसे ले लिए, ए बी सी देखो आप एक बार, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। देन राइट एंगल ट्राइंगल जो 90 डिग्री, एक एंगल राइट 90 डिग्री होना चाहिए। देन ट्राइंगल में हम क्या देखें, स्केलन ट्राइंगल जिसमें नॉट इक्वल साइड, कोई से भी साइड सेम नहीं हो। देन इसोस्केल ट्राइंगल में टू साइड्स आर इक्वल्स, एंड इक्वेटोरियल ट्राइंगल में ऑल साइड आर सेम। ट्राइंगल के बारे में आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है, क्या क्या कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलन ट्राइंगल क्या है, इसोस्केल ट्राइंगल क्या है, इक्वेटोरियल ट्राइंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल। वैसे ही क्वाड्रिलेटर्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटर मीन्स फोर साइड होना चाहिए जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, विच मेड ऑफ लाइन सेगमेंट एंड क्लोज कर्व, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रम्बस, पैलाग्राम एंड ट्रेपिजियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। जैसे मैं इसमें एक बता रखी हूँ, ये भी क्वाड्रिलेटर्स है। देन पॉलीगन क्या होता है, द क्लोज कर्व विच मेड ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट में बना हुआ हो। देन थ्री डायमेंशंस बताऊँगी मैं आपको कि फेस कौन सा है, एड्स कौन सा है और वर्टेक्स कौन से हैं। जैसे कोई भी हम ये ले रखे हैं, क्यूब ले रखे हैं, तो इसमें ये जो सामने वाला पार्ट है इसको हम फेस बोलते हैं, और इसके जो कॉर्नर के लाइन से इसको एड्स बोलते हैं। देन ये जो कॉर्नर के मैं पॉइंट लगा रखी हूँ इसको वर्टेक्स बोलते हैं। थैंक यू।